बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्लास, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में काइंड्स ऑफ बैंक अकाउंट्स का चैप्टर शुरू किया था, और जिसमें हमने जो है मुख्तलिफ अकाउंट्स को भी डिस्कस किया कि करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट क्या होते हैं। ठीक है, इनको हमने डिस्कस किया था। आज जो है हमने पढ़ तो लिया कि कितनी किस्म के अकाउंट्स होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि वो अकाउंट्स बैंक में खोले किस तरह जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो ये तमाम प्रोसीजर हैं जो ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट के लिए फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, तो ये तमाम प्रोसीजर्स हैं। आइए सबसे पहले प्रोसीजर को पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। सिलेक्शन ऑफ बैंक एंड ब्रांच। ठीक है, तो आपको पहले अकाउंट खोलने से पहले आपको पहले जो है ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको किस बैंक में अपना अकाउंट खोलना है। ठीक है, और उसकी किस ब्रांच में जो है अकाउंट खोलना है। ठीक है, लेट्स से आप दो तरह के बैंक हैं। ठीक है, कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंक्स। ठीक है, आप जो है इस्लामिक माइंडेड हैं और आप ही कहते हैं कि मैं जो है अकाउंट किसी इस्लामिक बैंक में खोलूँगा। ठीक है, तो आपने सेलेक्ट कर लिया कि फॉर एग्जांपल मैं इस्लामिक बैंक में खोलूँगा। और अब बहुत सारे बैंक्स हैं, लाइक मिज़ान बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, DIB है। ठीक है, दुबई इस्लामिक बैंक, MIB है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो इस्लामिक है। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ बैंक्स हैं जो कि इस्लामिक है। इस तरह कन्वेंशनल बैंक भी हैं, HBL है, अलाइड है, ठीक है, UBL है, ये मुख्तलिफ कन्वेंशनल बैंकिंग है। ठीक है, तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस बैंक अकाउंट में ज़्यादा अपने आप को फिजिबल महसूस करते हैं। ठीक है, और कौन से जो है आपके नियरेस्ट ब्रांच है, लाइक आप चाहते हैं कि आपके ब्रांच जो है जहाँ पर आप अकाउंट खोलना चाहें वो आपके ऑफिस से करीब हो, या बिज़नेस से करीब हो, या आपके घर से करीब हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने जब सिलेक्शन कर ली कि मुझे इस बैंक में खोलना है और इस ब्रांच में अकाउंट खोलना है, तो उसके बाद जो प्रोसीजर आता है कि सिलेक्शन ऑफ अकाउंट, कि आपने कौन से अकाउंट को जो है वो खोलना है। ठीक है, यानी आपके कौन सी नीड है आपकी, जिसकी वजह से आप जो है अकाउंट को खोलना है। लाइक आपको करंट अकाउंट खोलना है, ठीक है, या आप बिजनेसमैन हैं तो आप करंट अकाउंट खोलेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं या सैलरीड पर्सन हैं तो आप क्या खोलेंगे, सेविंग अकाउंट खोलेंगे। अक्सर जो है वो सैलरीड पर्सन वगैरह भी करंट अकाउंट खोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर नीड आप जो है वो अकाउंट की सिलेक्शन करोगे। यानी पहले आपने बैंक को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद ब्रांच को सिलेक्ट किया, और अब जो है आप किसकी सिलेक्शन कर रहे हो, अकाउंट की सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, जो कि आप अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक है, आपकी जैसी नीड है आप उसके मुताबिक जो है सिलेक्शन ऑफ अकाउंट करोगे। जब आपने ये दो काम कर लिए तो आपको जो अब क्या करना है, फॉर्म हासिल करना है। ठीक है, जिसमें जो है वो तमाम क्रेडेंशियल्स होंगे आपके, आपके तमाम डिटेल्स जाएंगी। ठीक है, आप अपने बारे में सारी चीज़ें लिखोगे, जो जो चीज़ें वो मांग रहे हैं, जो चीज़ें वो पूछ रहे हैं, आप उसमें नाम, अपने वालिद का नाम जो NIC है, और मुख्तलिफ तरह की डिटेल्स जो उसके अंदर मांगी हुई होती हैं आप उसके अंदर पुट करोगे। ठीक है, और ये जो है इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हर बैंक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा होता है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, इसके बाद जो है जब आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे आप। कुछ डॉक्यूमेंट्स बैंक जो है आपसे कहेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है आप इसके साथ अटैच करें। लेट्स से वो कहे आपसे कि आप जो है इसके साथ NIC अटैच करें, या कोई और तरह के डॉक्यूमेंट्स को अटैच करें। ठीक है, जब आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए और फॉर्म भी आपने फिल कर लिया, तो उसके बाद जो है प्रोसीजर जो आता है वो क्या है, स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड। ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे होते हो, अपने जो सिग्नेचर होते हैं उसके मुख्तलिफ स्पेसिमन आए हुए होते हैं, लाइक वो इस तरह का होता है स्पेसिमन कार्ड। ठीक है, जिसमें जो है वो 1, 2, 3, 4, सही है, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए होते हैं, आप सब में सिग्नेचर करते हो। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल ये आपने सिग्नेचर किया और सब जो है वो एक ही होना चाहिए, ये आपने सिग्नेचर कर दिया, सब जो है एक ही तरह से होना चाहिए। ठीक है, वो ये चार इसलिए ले रहे होते हैं कि कभी आप थोड़ा सा चेंज भी कर देते हो सिग्नेचर में, ताकि जो है वो जब आप चेक वगैरह इशू करो या कोई डॉक्यूमेंट, कोई लेटर वगैरह दो, तो वो आपके सिग्नेचर को मैच कर सके। तो इसको हम कहते हैं स्पेसिमन सिग्नेचर कार्ड। ठीक है, इसमें आप सिग्नेचर करते हो अपने, मुख्तलिफ चार सिग्नेचर करते हो, ए सेम मुख्तलिफ नहीं, सेम सिग्नेचर आप कर रहे होते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं आप, उसके बाद छठे स्टेप पे आप रेफरेंसेस दे रहे होते हैं। ठीक है, बैंक आपसे बोलता है कि आप जो है किस रेफरेंस से आएँ, यानी आप जो अकाउंट खोल रहे हैं क्या वो सैलरी अकाउंट है, तो आप हमें बैंक अपने जो ऑफिस है या कंपनी है वहाँ से जो है आप लेटर इशू करवाएं और वो एज अ रेफरेंस
लगाएं अपने अपने फॉर्म के साथ, या वो आपसे कहेगा कि आप अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपना लेटर हेड पे हमें लिख के दें कि मैं इस पर्पज़ के लिए जो है वो अकाउंट खोल रहा हूँ, ठीक है। या जो है और भी मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं, या फिर आप जो है अकाउंट ही खोलना चाह रहे हैं और बैंक आपसे कहे कि अगर इसी बैंक में किसी और आपके दोस्त का अकाउंट खुला हुआ है तो आप उनको लें साथ में, तो इस तरह भी होता है, ठीक है। तो जब आपने फॉर्म भी जमा करवा लिया, ठीक, फॉर्म फिल कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिए, स्पेसिमेन ऑफ सिग्नेचर भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद जो है रेफरेंसेस भी दे दिए, तो उसके बाद क्या करते हैं आप, डिपॉजिट ऑफ अमाउंट, जो भी अमाउंट है जिससे आप अकाउंट खोलना चाहते हो या मिनिमम अमाउंट से जो खोलना चाहते हो, चाहे वो करंट है चाहे वो सेविंग है, वो आप जो अमाउंट जमा करवा देते हैं, ठीक है। जमा आप जो है वो डिपॉजिट स्लिप के जरिए करवा रहे हो तो डिपॉजिट स्लिप आपको मिल जाती है, या कोई रिसिप्ट आपको दे दी जाती है कि ये आपको जो है आपने जो है अकाउंट खुलवाया तो उसकी रिसिप्ट ये है, ठीक है। जब ये तमाम काम कर लिया आपने तो आखिरी में जो काम बैंक को परफॉर्म करना होता है वो ये होता है कि इशुएंस ऑफ अकाउंट नंबर, वो आपको अकाउंट नंबर इशू कर देते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं लाइक चेक्स वगैरह और मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जो है आपको दे देते हैं ताकि आप जो है उससे अपनी ट्रांजेक्शन कर सकें। तो ये तमाम प्रोसीजर थे बैंक अकाउंट खोलने के हवाले से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।